उपनिर्वाचन रे बेस चली पटेंगे तो कटेंगे कौन 2027 निर्वाचन जाए चलो जोगी बाबर बाला नारा दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं याद रखना किसी को अगर गलत फहमी हो 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपा सालार ने जो कुम अयोध्या में किया था जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है तीनों की प्रकृति तीनों का डीएनए एक जैसा है। भ्रांत धारणा भीतर जमा रुहंतु ने एक कथा कही कौन योगी आदित्यनाथ पटेंगे तो कटेंगे रु दुई पाद आग को बढ़ी 2027 रो लाइन एबेठू ही टाणी देइछंती जोंडे मुख्यमंत्री को जोर एक कथा ऊपर रहिछि जे बाबर जहां अयोध्या रे करितिला तहा बांग्लादेश रो कट्टरपंथी माने एबे करूछंती जहां बांग्लादेश रे बे होउछि तहा खाली भारत रे भी क्योंठी होई पारे जहां बाबर 500 वर्ष पूर्वे करितिला से चीन जाति नारे राजनीति करथुवा लोकों को भितरे अछि जो जीन्स है वे आज भी हैं जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का बयान रो जागा और टाइमिंग ऊपर भी टिके ध्यान केंद्रित करंतु बाबर डीएनए बयान रो जागा हेउछि अयोध्या और रामायण मेला रो उद्घाटन रे तारीख 5 डिसेम्बर अर्थात 6 डिसेम्बर रो गोटे दिन पूर्व 6 डिसेम्बर को हिंदुत्ववादी सूर्य दिवस भाव में 1992 रु ही पालन कर आसुछंती और विरोध करुवा अनेक पक्ष कला दिवस भाव में आउ बयान सेतेबेले आसी जेतेबेले संभलर जामा मस्जिद रे हरिहर मंदिर थिबार डिमांड करी कोर्ट का आदेश पर होता सर्वे बेले 24 नवेम्बर में हिंसाकांड घटीला एवं विरोधी नेता संभल बहाना रे योगी सरकार उपर निशाना साधि कथा एवं संभलर डीएन रु राजनीतिर डीएनए जाए पहुंची सारी नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है मैं नहीं जानता हूं लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं डीएनए की बात ना किया करें मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात ना करें और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो एक संत होकर के योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेंट बन करके खड़े हो रखे हैं पहले से खड़े हैं वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं सामाजिक एकता को तोड़ करके आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। आपणक मनरे हुए तो ए प्रश्न उठुथुबा जे योगी आदित्यनाथ हठात ए हार्ड लाइन को आसिले काहिक कण बटेंगे तो कटेंगे रो निर्वाचनी सफलता पर यह हेउची राउंड टू तेबे उत्तर हाँ बोली आमे कहिबु काहिकि ना लोकसभा निर्वाचन रे बीजेपी ठारु दूरे जाइतिबा ओबीसी और दलित वोट पुणी थरे हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा उपनिर्वाचन आउ यूपी उपनिर्वाचन रे लेउटी आसीछि मुस्लिम बहुल इलाका रे थिबा आसन गुड़िक बीजेपी महाराष्ट्र ठारु उत्तर प्रदेश जाए हिंदू भोट एकजुट हो पड़ा फल विजय हासिल कर देखा मिली तृतीय गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची संभल हिंसा मामलें विरोधी आक्रमणात्मक होगा पर योगी ही नारेटिव सेट करने को चाहती जे देख विरोधी को केवल संख्यालघु ही चिंता घारी संभल भी जाऊंगा और जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद भी करूंगा संभल के लोगों की मदद हो उनको न्याय मिले और उसके लिए हमें चाहे लोकसभा में सवाल उठाना पड़े या लगातार हम लोगों को उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़े हम लोग संभल के लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। ये बांटने वाले लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है यहाँ संकट आएगा वहाँ भाग जाएंगे मरने वाले मरते रहेंगे। राजनीति विश्लेषकों मत रे लोकसभा निर्वाचन रे संविधान प्रसंग उठाई संरक्षण समाप्त होवार नैरेटिव सेट करी बीजेपी विरोध में गढ़ी विरोधी जो फायदा नहीं तार प्रभाव एवं ग्राउंड जीरो रे कमी कमी जाऊँगी एवं जितेबाला योगी बाबर कथा मन पकाउं विरोधी हिंदुत्वर यही हार्ड पिच रे बैट्समैन को शॉट को लक्ष्य नुहे बरम दिल्ली आड़ को निशाना बोली कहते अर्गस न्यूज।
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।